लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक दायर दो दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों की तशरीह और ओवरसीज को वोट का हक देने पर समाअतें हुई। इलेक्शन एक्ट की तशरीह पर दरख्वास्त फुल कोर्ट के सामने पेश करने की सिफारिश भी की गई। तफसीलात जान लेंगे शकील सईद से। शकील बताइएगा ये समाअत के हवाले। जी बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों की तशरीह के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच के सामने पेश करने की सिफारिश जो है वो कर दी है। जस्टिस इसार हसन सैयद ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो है वो भिजवा दी है। अदर स्ट्रीक एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो की गई थी, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों पर कानूनी एतराज जो है वो उठाए गए थे। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए दायर दरख्वास्त पर भी जो है वो समाप्त हुई। अदालत ने इस दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जो है जवाब तलब कर दिया है। जी जी शकील, शुक्रिया आपका।